वो तो सबको ही मारेंगे, तुमने परिवार का सबका ही डर है, घर में घुस के सबको मारेंगे। अब डर हो गया है बहुत ज्यादा, बहुत डर हो गया है। आज इस बच्चे को मारा है, राम राम तो सगी करते हैं, राम राम तो सगी करते हैं, राम के नाम पे क्या नाम है मारा है, हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए। बताओ, मैं जवान बच्चा था, नौकरी करता था, कोई हमारा लड़का नहीं था, बहुत अच्छा लड़का था। हाँ, बालाजी का भगत था वो, तो कोई ऐसा नहीं था। अपील करना चाहता हूँ, अब हम चुप नहीं बैठ सकते। उन लोगों ने जो मुसलमानों को मारा, हम चुप बैठे रहे। उन लोगों ने जो दलितों को जलाया, दलितों को पीटा, हम चुप बैठे रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर एक बार नहीं सत्यम में। आज की बात शुरू करने से पहले उन सभी को सत सत नमन जिन्होंने आज के इस सेक्युलर देश में हिंदुओं के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। देने पर भी ये ईमान नहीं रहे, यहाँ आए दिन देश में बैठे बेटियों पर हमला कर रहे हैं और हमारे हिंदू भाई चुपचाप बैठे ये सब कुछ देख रहे हैं। न जाने क्या हिंदू की आत्मा मर गई है, यकीन मानिए आज कोई और है तो कल आप भी हो सकते हैं। बस जय श्री राम बोलने में मार दिया, जय श्री राम बोलने में मार दिया बस। ठीक ठीक ठीक, अब हमारा काम। आप जानकर हैरान हो जाइए, सिर्फ राम के नाम लेने पर ही हिंदुस्तान में हिंदुओं को मारा जा रहा है। कुछ तो जो किसी बड़ी पार्टी या संघ से जुड़े हुए होते हैं उनके नाम तो न्यूज में आ जाते हैं, लेकिन ना जाने कितने हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा मार दिए जाते हैं, जिसके परिणाम ये है कि अभी तक 8 राज्य हिंदू माइनॉरिटी बन गए हैं, जिसमें लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब है। क्योंकि हत्या पीसफुल कट्टरपंथियों ने की है और जातिवादी नेता अपने जाति के नहीं बल्कि कट्टरपंथियों के वोटों के लिए वफादार है। रिंकू शर्मा बजरंग दल से जुड़ा हुआ था और राम मंदिर के लिए किए जा रहे अंशदान कलेक्शन में शामिल था और हत्या करने वाले सारे सूर के औलादे कट्टरपंथी थे। जहां पुलिस पेटू के बयानबाजी कर मामले को किसी और दिशा में ले जाने की प्रयास कर रही है। शुरुआत उस बर्थडे पार्टी के रेस्तोरा से हुआ था और उसके बाद वहाँ पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद रिंकू के घर के पास में झगड़ा हुआ, जिसके दौरान उसको चोट लगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसमें संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हम लोग परिवार वर्ग के संपर्क में हैं और इसमें जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही है तमाम एंगल्स को पुलिस जाँच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सर, ये राम वाला नाम जो नारे का है, इसका कोई लेना देना है रिंकू की हत्या के? तमाम हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सारे चीज़ों को देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन वहीं दूसरी ओर उनके भाई का बयान दिल्ली पुलिस की बातों का पर्दाफाश कर रहा है। रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे, रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा मेरे भाई को, चाकू खींचा, चांटे भी मारे, ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा, लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी पांचों की, इन्होंने सबने मिल के मारा मेरे भाई। झगड़ा हम पहले हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उसमें तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी उनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले, तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से, तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और कल मेरे भाई को मार दिया। झगड़ा हुआ था किसी की पार्टी वार्टी में, बर्थडे पार्टी में? कल किसी का झगड़ा नहीं हुआ था। मैंने क्या करते थे भाई आपके? लैब टेक्नीशियन थे बालाजी हॉस्पिटल में। और बीजेपी से भी जुड़े हुए? हाँ, बीजेपी से भी जुड़े हुए और संघ से भी जुड़े हुए। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक मुस्लिम महिला तंजील अनीस, जो गाना डॉट पर एक किसी बड़े पद पर है, जो ट्विटर पर इस हत्या पर बड़ी ही खुशी जता रही है। सोचिए इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है इतना सब कुछ कहने की, कि ये वही है जिनके हाउसी लौंडे का चित्र बनाने पर लोगों के गले तक काट दिए थे, और यहाँ हिंदुओं के घर का बेटा मर जाने पर भी लोग चुपचाप रोते रहते हैं। क्या हो गया है परशुराम के वंशजों को? वैसे भी कहाँ जिंदा हूँ,
सर झुका के तो चलते हो। दिन के उजाले में तुम्हारी माँ बहने बाहर नहीं निकल सकती, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे जानवर खींच के ले जाते हैं। ब्राह्मण पूजा नहीं कर सकते, किसान खेती नहीं कर सकते, यहां तक के मुर्दों को ले जाते वक्त तुम लोग खुल के श्री राम नहीं बोल सकते और कहते हो जिंदा हो। और कितनी बातें मरोगे,